तो ये गाड़ी हमारे पास आई है गोवा से। कस्टमर जो हैं वो एक्चुअली सऊदी में रहते हैं। ये पूरी गाड़ी बनाने के दौरान और इवन डिलीवरी के टाइम मेरा कस्टमर से कहीं भी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ फिजिकली। जो हमारा इंटरेक्शन हुआ वो वीडियो कॉल पे हुआ। उन्होंने जब गाड़ी छोड़ी तो उन्होंने बताया था कि मुझे ये मर्सिडीज़ के ब्राउन में गाड़ी चाहिए कलर करके, और तब उनका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था कि मुझे दो कलर करने हैं वापस या यू नो टू टोन कॉम्बिनेशन में करना है। गाड़ी की कंडीशन वैसे तो अच्छी थी, बॉनेट जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब था। थोड़ा बहुत रस्टिंग भी था पैनल्स पर ज़्यादा नहीं था। गाड़ी पर सुपरफिशियल रस्ट था थोड़ा बहुत। चैलेंज ऐसा हो जाता है कि कई गाड़ियों की बुकिंग हम जब ऑनलाइन ले लेते हैं और गाड़ी हमने फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं की होती तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब तक हम सामने से देखेंगे नहीं गाड़ी तो हम बता नहीं पाएंगे कि गाड़ी पर क्या काम करने की ज़रूरत है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, और पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट आई थिंक ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस बिजनेस का पार्ट तो हमेशा ही रहने वाले हैं। जब क्लाइंट हमारे पास बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं ना तो हम यूजुअली उनको बोलते हैं कि आप अपने लोकल एरिया में ही सर्विस करवाना प्रेफर कीजिए। दो चार पैनल पेंटिंग हो तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर पूरी गाड़ी का मेजर रिस्टोरेशन जॉब है ना तो होता क्या है, कितने भी दिल से कितने भी अच्छे से काम कर लो, 10 में से 2-3 केस में कभी ना कभी छोटे मोटे इश्यूज आ ही जाते हैं। अब पूरी गाड़ी बनाने के बाद अगर वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हम सर्विस नहीं कर पाए तो कहीं पे हमारी रेपुटेशन भी हिट होती है और साथ ही साथ क्लाइंट का एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि हम अपना फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च करें। बहुत सारी हम लोग को इंक्वायरीज भी आई हैं, ऑलमोस्ट लास्ट एक महीने में शायद हम लोग को 800+ इंक्वायरीज आई हैं, विच इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। ऑब्वियसली हम लोगों ने भी कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतने सारे लोग हम लोग के साथ काम करना चाहेंगे। हाँ, बजट कंस्ट्रेंट एक थोड़ा सा ज़रूर है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है बॉडी शॉप में, हम लोगों का भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, बट अच्छा काम करने के लिए अच्छी सर्विस देने के लिए ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। आप भी अगर हमारे साथ फ्रेंचाइज टाइप करना चाहते हैं या हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डिटेल्स दी हुई हैं, आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं और हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सेकेंड हैंड गाड़ी जब हमारे पास ऐसी हो तो रिस्टोरेशन करना या उसको पेंट जॉब करना सेंस बनता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट लॉज बोलते हैं कि 15 साल के लिए आप गाड़ी जो है वो चला सकते हो। नई गाड़ी जो है वो प्रिटी मच बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब स्कॉर्पियो की भी बात करूँ तो नए मॉडल में और पुराने मॉडल में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है, चाहे वो परफॉर्मेंस वाइज हो चाहे लुक वाइज हो, पर कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ऐसी गाड़ियाँ यूजुअली 3-4 लाख में मिल जाती हैं, अच्छी कंडीशन में रहेगी तो शायद 5 लाख की मिल जाएगी, बट बनाने जाएंगे तो जो खर्चा होगा वो वर्थ इट रहेगा, क्योंकि नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगी पड़ती है। तो आप भी अगर अपनी कोई पुरानी गाड़ी हमसे बनवाना चाहते हैं या कस्टम पेंट जॉब करवाना चाहते हैं या कुछ यूनिक कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
जो ब्रश गोल्ड नीचे क्लैडिंग पे फिनिश दिया हुआ था वो जो था वो बहुत डल सा फिनिश था, तो हमको वैसा ही गोल्ड यूज करना चाहिए पर थोड़ा ब्राइट और थोड़ा पॉपी यूज करना चाहिए। रीजन बीइंग ये जो ब्राउन और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है वो साथ में काफी अच्छा दिखता है। गाड़ी पे हम लोगों ने कलर चॉइस किया मर्सिडीज का ब्राउन है मेटालिक फिनिश में, और इवन जो गोल्ड हमने चूज किया वो बहुत अच्छा हुआ। साथ ही साथ एक कॉल हमने वो भी लिया था कि जो व्हील्स हैं उस पर भी हम गोल्ड एलिमेंट डालेंगे, तो वो डिसीजन भी बहुत अच्छा रहा कि व्हील बहुत सुंदर दिख रहे थे। इन जनरल मैं मानता हूँ कि गाड़ी का फिनिश बहुत ज़्यादा एनहांस हो गया और गाड़ी भी बहुत अच्छी दिखने लगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू ट्यून इन टू ब्रोटोमोटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे तुम्ही काय करताय असं।